थर्ड कंपैरिजन वीडियो. हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कर रहे हैं एंड फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि आपके लिए क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एंड आपको क्या चूज करना चाहिए. अभी तक जो हम लोगों ने कंपैरिजन की है उसके हिसाब से यूएसए गेट्स 19 पॉइंट्स, यूके गेट्स 23 पॉइंट्स, कनाडा गेट्स 26.5 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया गेट्स 25 पॉइंट्स एंड जर्मनी गेट्स 23.5 पॉइंट्स. अब अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड पे मैं उनकी लिंक्स डाल दूंगा, वो वीडियोस भी देख सकते हो. बट इस कंपैरिजन वीडियो में अभी तक हम लोग कनाडा को आगे रख रहे थे, बट आई फील लाइक इस वीडियो के एंड तक आते आते वो पीछे चला जाएगा बिकॉज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले, वीजा रिजेक्शन डेट एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अभी तक हम लोगों ने कवर क्या क्या कर रखा है, हम लोगों ने अभी तक एक्सपेंसेस कवर कर रखे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस कवर रखे हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कवर कर रखा है, वेदर कवर कर रखा है, जॉब्स कवर कर रखे हैं, टैक्सेस इन ईच कंट्री कवर कर रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्टूडेंट कवर कर रखा है, करप्शन कवर कर रखा है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कवर कर रखा है. अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीजा रिजेक्शन रेट से, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा था कुछ टाइम के लिए कनाडा का वीजा रिजेक्शन रेट 60% चला गया था एंड किसी को वीजा मिल ही नहीं रहा था, तो इट वॉज इवन वर्थ अप्लाइंग टू कनाडा. हम लोग इतने पैसे दे रहे हैं, आइल्स दे रहे हैं, उसके बाद कैनेडियन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं एंड इट वॉज इन वर्थ अप्लाइंग देयर, राइट. सो इस वीडियो में हम लोग उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे. पहली बात, मैं वीजा रिजेक्शन को खाली दो पॉइंट्स दूंगा. आई डू अंडरस्टैंड कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट वीजा रिजेक्शन आता किसको है आपको वो समझने की जरूरत है. आपने किसी डम पर्सन के थ्रू अप्लाई किया हो जिसने आपको बहुत ही गलत तरीके से मिसगाइड करके वीजा फॉर्म भरवा दिया, या फिर आप किसी बहुत ही बकवास कॉलेज जा रहे हो, तो आई वुड वांट आपका वीजा रिजेक्ट हो ताकि आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट रहे. वो वीजा ऑफिसर भी आपका बेनिफिट चाहता है, आपके लिए ही बेटर है अगर आप किसी बकवास से कॉलेज में जा रहे हो, उससे अच्छा है कि आपका वीजा ही रिफ्यूज हो जाए. आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हो एंड यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. हम लोगों ने इस पे डिटेल वीडियोस बना रखे वीजा रिजेक्शन पे, तो आई फील लाइक वीजा रिजेक्शन ओनली डिजर्व्स टू पॉइंट्स बिकॉज जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको वीजा मिल जाता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं होते हैं उनको नहीं मिलता. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपको वीजा नहीं मिला है तो यू आर नॉट ए डिजर्विंग कैंडिडेट, यू शुड जस्ट नो दैट. यूएस के बारे में बात करें तो कोविड के पीक पे द वीजा रिजेक्शन रेट वाज 27.4%, नाउ इट इज डाउन टू 17.4% व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड. तो इसके लिए आउट ऑफ 2 पॉइंट्स वी विल बी गिविंग इट 1.5 पॉइंट. यूके का वीजा रिजेक्शन रेट ऑलवेज हैज बीन वेरी गुड, व्हाई, बिकॉज़ यूके के लिए दीस आर कैश काउस, जो भी बंदा हमारे पास आ रहा है वो कैश काउ है, मतलब अगर वो घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी में भी जा रहा है उसका पैसा यूके की गवर्नमेंट को जा रहा है, तो यूके की गवर्नमेंट कंसीडर्स दिस एज अ वेरी गुड एक्सपोर्ट. यूके का वीजा रिजेक्शन रेट वाज 13%, नाउ इट इज डाउन टू 10% व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर एन इंडियन स्टूडेंट. तो अगर आप यूके के वीजा के लिए अप्लाई करो, आइडियली देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल गेट इट, सो वी विल गिव इट 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स. रिसेंटली देयर वाज अ टाइम वेयर कैनेडियन वीजा रिजेक्शन रेट पीक्ड अप टू 60%. Yes, up to 60% visa rejections were coming. And इस time पे कुछ बहुत अच्छे deserving students को भी visa नहीं मिला था. तो that is just an unfortunate case. But that is not an ideal scenario. Ideally, Canadian visa rejection rate is somewhere around 45%, which is very high. तो अगर Canada को visa rejection में points देने, तो we'll just give it up. ऑस्ट्रेलिया में भी लेटली वीजा रिजेक्शन रेट हैज पीक्ड अप टू 50%. बट अगेन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बकवास यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, यू डिजर्व योर वीजा टू बी गेट रिजेक्टेड, राइट. Because please stop wasting your money. Visa ke piche paisa mat barbaad karo, kitni bari bolo. But ideally, agar hum log numbers ke bare mein dekhe, this is a very recent thing. 50% is a very recent thing. November 2022 ki cheez hai. But agar hum log overall dekhe, to visa rejection rate is somewhere around 22%. So agar Australia ko points dein, to we'll give it 0.5 points. Germany ki worst cheez kya hai? Germany does not provide data about visa rejection rate for international students. But ideally, maine dekha hai, for majority of the students jo jis field se aaye hain, usi field mein continue kar rahe hain, it is very easy for them to get a visa. So since we do not have an exact number, and I do not want to quote wrong, so I'll just give it 1 point. After visa rejection rate, USA is at 20.5, UK is at 25, Canada 26.5, Australia 25.5, and Germany 24.5. Next point is that of percentage of population with tertiary education. Tertiary education is very important because jitne zyada logon ke paas education hogi, utne zyada businesses set up, उतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उतने ज़्यादा एवेन्यूज़ रहेंगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव स्किल फोर्स रहेगी. तो द परसेंटेजेस आर कनाडा 57%, यूएस 49%, यूके 43%, ऑस्ट्रेलिया 43% एंड जर्मनी जस्ट 32%. तो अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं तो कनाडा विल गेट 1 पॉइंट, बाकी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया गेट्स 0.5 पॉइंट्स एंड जर्मनी गेट्स 0. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ सैलरी ऑफ इंटरनेशनल एक्सपैट्स. हम लोग एवरेज सैलरीज नहीं देख सकते बिकॉज इन सारी कंट्रीज में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली काम नहीं करते हैं, एंड काफी सारे लोग की काफी हाई सैलरीज होती है. एंड इंटरनेशनल एक्सपैट्स की एवरेज सैलरी अगेन इज अ वेरी मिसलीडिंग नंबर, बट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट अ जनरल ट्रेंड ऑफ व्हाट एन इंटरनेशनल पर्सन डज इन अ स्पेसिफिक इकोनॉमी एंड हाउ मच दे अर्न इन अ स्पेसिफिक इकोनॉमी. अगेन अ वेरी मिसलीडिंग नंबर, इट कैन बी वेरी मिसलीडिंग बट इट गिव्स अस अ जनरल नोशन. तो इसमें वी विल बी गिविंग इट 3 पॉइंट्स. द एवरेज सैलरी फॉर अ यूएस पर्सन इज 98,900, दस वी विल बी गिविंग इट 3 पॉइंट्स.
for UK is around $87,700. So thus we will be giving it 2.5 points. Canada mein it is $72,500. So thus we will be giving it 1.5 points. Australia mein it is $73,800. Again 1.5 points. And Germany mein it is $80,800. Thus we will be giving it 2 points. After this comparison, our final standing is USA 24, UK 28, Canada 29, Australia 27.5, and Germany 26.5. Next point is that of publicly funded healthcare system. I feel like it's important, but let's just give it 1 point, and every country has publicly funded healthcare system except for USA. Thus, 1 point to every country except for USA, which gets a zero. Next point is that of crime rate. Crime rate is lowest in Germany, uske baad phir UK and Canada. And usse zyada, thoda sa zyada would be Australia, and sabse zyada would be US. So if you have to give points, Germany gets 3 points. Australia, UK and Canada will get 2 points and US will get 1 point. Thus, after this, our standing is 25 USA, 31 UK, 32 Canada, 30.5 Australia and 30.5 Germany. The last point of comparison will be minimum wage, and maine sabko dollars mein convert kar diya hai. So US ki minimum wage would be 7.25, UK ki minimum wage would be $11.43, Canada will be 12, Australia would be 14 and Germany would be 12.84. Ab recently aap dekhoge ki kafi change hota rehta hai, to maine recent conversion ke hisab se ye kiya hai, and at the same time bahut alag states mein alag alag hota hai. Jaise agar aap Canada hi dekh lo, Ontario mein zyada hai, British Columbia mein usse zyada, New York mein usse zyada, to जहां जहां है थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, मैंने एवरेज लिया है जहां पे एक इंडियन स्टूडेंट जा रहा होगा. इसके बेसिस पे फाइनल पॉइंट्स वुड बी यूएस को विल जस्ट गिव 1 पॉइंट, यूके विल बी 1.5, कनाडा 2, ऑस्ट्रेलिया 3 एंड जर्मनी 2.5. एंड हमारी फाइनल रैंकिंग, एंड मेरे को ये वीडियो यहां पे खत्म करना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम अप्लाइंग फॉर यूएस वीजा सून. तो अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी, बट यूएस जस्ट गेट्स 1 पॉइंट हियर. एंड फाइनल रैंकिंग वुड बी यूएसए 28, यूके 32.5, कनाडा 34, ऑस्ट्रेलिया 33.5 एंड जर्मनी 33. अब ये वीडियो यहां खत्म नहीं होता, आई विल बी कमिंग आउट विद पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर यू वांट मी टू कवर एनीथिंग स्पेसिफिक. अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है वो यहां है, सेकंड वीडियो देखनी है वो यहां है, थर्ड वीडियो ये थी, एंड अगर फोर्थ वीडियो के साथ हम लोग आगे होंगे तो दैट वीडियो वुड बी हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आई एम कमिंग आउट विद दिस थर्ड वीडियो. अगर फोर्थ भी चाहिए तो डू लेट मी नो.